हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जेसी के थ्रू यानी कि डाटा रिकवर करके दिखाया था, जो कि खाली सीरियल नंबर इंसर्ट करने पर वो आपको डाटा प्रोवाइड कर देता था। लेकिन कुछ फोन्स ऐसे हैं जिसका जेसी के पास डाटा नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे? काफ़ी दोस्तों के मैसेज आए जिसमें वो कमेंट कर रहे थे कि जो भाई डाटा रिकवर नहीं हो रहा, फाइंड नहीं हो रहा। तो उसके लिए आज मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ जो उस वीडियो का पार्ट भी है। तो इसमें हमने सिंपली क्या करना है, देखें ये फ़ोन है, iPhone 7 कनेक्टेड है। इसको हम सिंपली क्या करेंगे, एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें, इसको जैसे ही एक्टिवेशन का एरर देगा, देखें एक्टिवेशन का इसने एरर दे दिया। सिंपली अब हम क्या करेंगे, ब्राउज़र ओपन करेंगे और ये 3U टूल से इसकी IME कॉपी करेंगे और सिंपली यहाँ पर IME पेस्ट करके बेसिक सीरियल इन्फो, ये फ्री है बिल्कुल, इससे आप इसकी इन्फो निकालें। ठीक है, इसने ये बता दिया iPhone 7 128 GB। ओके, तो इसका मैं यहाँ से सीरियल कॉपी करूँगा, ये कॉपी कर लिया। और जेसी रिपेयर असिस्ट ओपन किया मैंने और इसको अभी मैं साइड पर लेकर आता हूँ थोड़ा सा। रीड इन्फो में जाएं, यहाँ क्यूरी में जाके यहाँ इसको आप पेस्ट करें, तो देखें इसका डाटा नॉट फाउंड आ रहा है। तो सिंपली क्या करना है आपने, ये डाटा नॉट फाउंड आया है तो सिंपली हम इसको अब करेंगे, मैं इस पर क्या करूंगा, अब इसकी मैं सबसे पहले नेंड उतारूंगा जो कि कि मैं हार्ड ड्राइव रिमूव करूंगा। चले मैं अपना व्यू चेंज करके आपको माइक्रोस्कोप का विजन दिखाता हूँ और इसमें मैं ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हम नैंड रिमूव करेंगे। मेरा जो हॉट एयर का टेम्परेचर है वो 380 है और एयर जो है 35 पर है। अब सबसे पहले मैं इसको रिमूव करूँगा।
ये नेट रिमूव हो गई है और अब मैं इसको क्लीन करूँगा। इसके तो बहुत सारे प्रिंट जंपर हुए हुए हैं। अब हार्ड ड्राइव को मैं क्लीन करूँगा। ये बहुत ही डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट रहनुमाई मिलेगी, जिसमें दोबारा आपको कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी। चलिए जी, मैं आपको अब दूसरा व्यू दिखाता हूँ इसका, जिसमें मैं आपको JC रिपेयर असिस्ट के थ्रू इसका हार्ड ड्राइव का डाटा रिकवर करके दिखाऊंगा। चलिए स्क्रीन शेयर कर लेते हैं और JC रिपेयर असिस्ट को ये देखें। अब मैं इस पे नैंड प्रोग्रामर पर जाऊंगा। इसका ये मैंने पोर्ट कनेक्ट कर दी, क्यूरी इन्फो किया, ये इसके सामने डाटा सारा आ गया। ठीक है जी, अभी हम क्या करेंगे, क्यूरी कोड पर क्लिक करेंगे।
ठीक है, तो ये जेसी इंटेलिजेंट ड्राइंग ओपन कर देगा। जब इसको हम यहाँ पर ठीक है जी, अभी मैंने इसको यहाँ कनेक्ट किया है, तो यहाँ से पहले इसको डिसकनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ कनेक्ट है। तो ये इसने डाटा शुरू, देखें रीडिंग शुरू कर दी है। जैसे ही ये इसकी रीडिंग कंप्लीट करेगा, ये देखें ये इसने कंप्लीट डाटा निकाल कर दे दिया, ब्लूटूथ वाईफाई सीरियल ईमैक। इसको मैं यहाँ से सिंपली कॉपी करके यहाँ टेक्स्ट फाइल बनाऊंगा और ये मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ये पेस्ट करने के बाद अभी आप देख लें, इसने जो डाटा निकाला है वो ये सीरियल नंबर आप नोट करें, और उसके बाद जो वेबसाइट पर सीरियल आया था वो देखें सेम है। और इसका एक चीज़ आपने और याद रखने की, मॉडल नंबर हमेशा करेक्ट होना चाहिए। अगर मॉडल नंबर चेंज होगा तो डाटा जो है आपका मैच नहीं होगा। तो सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ से इसका डाटा कॉपी करता हूँ और इसको दोबारा से कनेक्ट करते हैं। इधर से जेसी से पहले डिसकनेक्ट करें, कट करें, ठीक है जी। तो अभी देखें कि इसको मैं यहाँ कनेक्ट किया और ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद जो इसका है सीरियल वाईफाई, ये कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया। उसके बाद देखें अब यहाँ A2 है, यहाँ A3 है, A4 है, ऑटो है, लेकिन यहाँ देखें डाटा चेंज है। यहाँ आखिर पे उन्होंने A4 कर दिया और इसका A5 है, तो डाटा ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। तो अभी यहाँ से हम इसको इस तरह कॉपी करेंगे। पेस्ट कलर इसका जो आपने रखना है वो रख लें, मेरे पास ब्लैक फोन है, ब्लैक है, और मॉडल जो है इसका एग्जैक्ट ठीक है। तो राइट इन्फो आप क्यूरी करेंगे, वाईफाई ऑलरेडी अनलॉक, ओके। तो डन हो गया, तो माइक्रोस्कोप का व्यू लाता हूँ मैं आपके सामने। ये माइक्रोस्कोप आ गई और इसको अब रिबॉल करेंगे। रिबॉल जो मैं करता हूँ, मैं 250 के टेम्परेचर पे करता हूँ, जो कि मेरी हॉट एयर पे 861DW पे कंपेटिबल है, तो उस पर बहुत ही इजीली होता है। ये हार्ड ड्राइव रिबॉल हो चुकी है।
मैं छोटी बीट रखता हूँ तो इसीलिए मुझे इसको चारों तरफ घुमाना पड़ता है। अगर आप बड़ी बीट से यूज़ करेंगे तो फिर आपको घुमाना नहीं पड़ेगा। सलाम वालेकुम अखोई, आईवा ऑफिस। ओके 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 नो साहिबी। ओके बस वाद नुस्सा इंशाल्लाह खलास कुल्लू। ओके 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 शहबादी जी चले जी। शिट, कलर गोल्ड था और मैंने ब्लैक कर दिया। चले वो बाद में भी हो जाएगा। फोन ऑन हो गया और अब इसको हम थ्री यू टूल पे चेक करते हैं और फ्लैश करेंगे। अभी देखें कि ये डाटा इस पे वाकई राइट हुआ है। A4 A5 इस पर चेक करते हैं जी। A4 A2 ओके डन। तो अभी सिंपली हम इसको फ्लैश करेंगे और उसके बाद एक्टिवेट करेंगे। अच्छा, यहाँ से वीडियो मैं थोड़ी स्किप करके फास्ट फॉरवर्ड में बनाऊँगा तो ताकि वीडियो का टाइम कम से कम लगे। सीरियल नंबर मेथड मैंने आपको हर चीज़ चेक करवा दी है तो बाकी जो है जैसे ही सेट फ्लैश होने कंप्लीट होने पर आएगा तो मैं दोबारा से वीडियो को रिज्यूम कर दूंगा जी। नाज़रीन फ्रेंड्स, तो हमारी फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है। चलें इसको अब एक्टिवेट करते हैं। डन, देख लें ये एक्टिवेट हो चुका है। तो ये सारा मेथड है इसको एक्टिवेट करने का। और इस तरह से आपने इसको एक्टिवेट करना है। ये सेट हमारा मेन्यू में आ चुका है। तो ये मेथड था। वीडियो 1 भी आप देख लें, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ।
और ये इसका पार्ट टू है, जिसमें अगर आपको सीरियल से अगर एस एफ जी डाटा नहीं मिलता तो आप इस तरह से हार्ड ड्राइव यानी के रिमूव करके प्रोग्रामर के थ्रू भी इसकी रिकवरी कर सकते हैं। थैंक यू।